नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर 6 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक का। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के लिए। भारत ने स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों के डेरिवेटिव पर आयात शुल्क बढ़ाने पर विश्व व्यापार संगठन के सेफगार्ड मैकेनिज्म के तहत जिस देश के साथ बातचीत की है वो है अमेरिका। ठीक है, चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर में जितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया, वहाँ 76 दिन बाद खत्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, IQ एयर के डाटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर हैं? ना, जितने शहर हैं, दो शहर हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने COVID-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस चैलेंज की शुरुआत की उसे है समाधान। हाल ही में जिस देश ने 12 सक्रिय फार्मास्यूटिकल संगठन के निर्यात को अनुमति दी है, भारत। संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण जिस देश में औपचारिक क्षेत्र में कम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीब में फंस सकते हैं, गरीबी में, भारत यहाँ। विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक बढ़ा दी है? तो वे दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस राज्य के स्कूल में 1983 शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशों को की नियुक्ति रद्द कर दी है, हरियाणा। बर्नी सैंडर्स ने जिस देश के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की रेस के लिए अपना कैंपेन खत्म कर दिया, अमेरिका। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते जितने लाख रुपए तक का नंबिल टैक्स रिफंड तत्काल जारी करने को कहा है, 5 लाख रुपए। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है, ओडिशा। जिस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वसरम भाई मारवानिया ने बायो 45 गाजर विकसित की है, गुजरात। इंग्लैंड ने जिस क्रिकेटर को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अनमोले द्वारा वर्ष की अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया है, वेन स्टोक्स। प्रवीण राव को हाल ही में भारत के जिस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, नेसोकॉम। CRPF शौर्य दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? 9 अप्रैल को। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य मंडल प्रणाली की तैयारी के लिए जितने करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैक को मंजूरी दी है, तो इसके लिए जाएगा फ्रेंड्स आपका 15,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत का अनुमान है? इसका फ्रेंड्स 4.8%। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया है? 2 साल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जिस राज्य के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक छात्र ने डॉक्टर के साथ स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है, छत्तीसगढ़।
नेक्स्ट फ्रेंड, जिस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, खंडवा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए जिस देश का तर्ज पर एक 5G प्लान जारी किया, दक्षिण कोरिया। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बीच 2 महीने में भारत के जिस अमीर शख्स की नेटवर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपए घटी है, मुकेश अंबानी है वो। वह देश जिसने मलेरिया रोधी दवाई हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन के आयात को अनुमति दे दी है, भारत ने दी है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि होने के बाद टोक्यो और देश के 6 अन्य हिस्सों में जितने महीनों के लिए आपातकाल की घोषणा की, 1 महीने के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तितली एक एवं उसके पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता कैसे पैदा करने के उद्देश्य से जिस राज्य के तिरुचिरीपल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास किया गया, तमिलनाडु। हाल ही में स्वाइपवेयर पेगासस का निर्माण करने वाली जिस देश की तकनीकी कंपनी एनएसओ ग्रुप ने कोरोना वायरस के प्रकाश की निगरानी हेतु एक सॉफ्टवेयर के परीक्षण की जानकारी दी, इजराइल। हाल ही में जिस आईटीआई ने वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है, आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जिस राज्य सरकार ने 9 अप्रैल के बाद घर से बाहर निकलने पर नाक मुंह को ढकना अनिवार्य कर दिया था, ओडिशा सरकार ने। सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए जिस नाम से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया है, करुणा। वह देश जिसके पूर्व टेस्ट स्पिनर स्टीफन ओकीपी ने अगले घरेलू सत्र के लिए न्यू साउथ वेल्स की अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची से हटाए जाने के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ऑस्ट्रेलिया। वह फिल्म इंडस्ट्री जिसके प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलेट प्रकाश का हाल ही में निधन हुआ है, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। विदेश मंत्रालय ने रविश कुमार की जगह 1999 बैच के जिस आईएफएस अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया है, अनुराग श्रीवास्तव। हाल ही में कृषि और किसान मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर जिस पोर्टल में संशोधन किया है, ई नाम। कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है, 2 साल। जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के चलते ही हाल ही में निधन हो गया, लीबिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामले को ट्रैक करने हेतु जिस नाम से ऐप लॉन्च किया है, आरोग्य सेतु। हाल ही में जिस देश में एक बगीन नदी में कोरोना वायरस संक्रमित की पुष्टि होने के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश भर के चिड़ियाघरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, अमेरिका। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में
यूनिक फेव के साथ मिलकर प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है। ओडिशा वह संस्था जिसके मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% तक कम हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट है, फीफा ने हाल ही में जिस देश में होने वाले अंडर 17 महिला कप वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया, भारत। वह देश जो एशिया युवा खेल 2021 की मेजबानी करेगा, चीन। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसका ही भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियन की नवीनतम रैंकिंग में कितने स्थान पर बरकरार है, दूसरे। हाल ही में जिन दिव्यांग खिलाड़ियों में अमेरिका नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, कोबे ब्रायंट, जिस भाषा के मशहूर संगीतकार एम के अर्जुन का हाल ही में कोच्ची के पल्लुरुवी में स्थित आवास पर निधन हो गया, मलयालम। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जनवरी 2020 को दिए गए निर्देश के बाद जिस शहर में 14 बड़ी निर्माण परियोजना स्थानों पर एंटी स्मॉग गन उपकरण लगाए गए हैं, दिल्ली। योजना के तहत कोरोना वायरस का मुक्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है, आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच जिस नाम से काफी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया, जीवन नाम से, कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में चिकित्सा कर्मी के इस्तेमाल में आने वाली निजी सुरक्षा उपकरणों की 1.7 लाख किट जिस देश से भारत को हाल ही में मिल गई हैं, चीन से मिली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉच माय वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।